हेलो एंड वेलकम बैक टू टीम गाड़ी लाइट दोस्तों। तो ये है हुंडई वर्ना का S6 मॉडल विच इज़ मोस्ट वैल्यू फॉर मनी, बेस्ट सेलिंग और हाईएस्ट इन डिमांड मॉडल। तो क्या सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं और क्या इसका ऑनरोड प्राइस रहेगा, बाकी सारी जो कार्स है इस प्राइस में कौन कौन सी ड्राइवल कार्स अवेलेबल है, उनके कौन से मॉडल अवेलेबल है, क्या उसका ऑनरोड प्राइस रहेगा, तो इतने डिटेल में ही हम सारे रिव्यू शेयर करते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। फटाफट से टीम गाइड लाइट को सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ले और ये सब करने के बाद फटाफट से इस वीडियो को लाइक भी कर दे। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट लुक के बारे में। तो यहाँ पे आपको डेटाइम रनिंग लाइट्स ये मिलती है, तो ये DRLs है इस साइड और ये वाली भी आपको DRLs मिलती है। तो सेंटर में आपको यहाँ पे पोजिशनिंग लैम्प मिल जाती है और नाइट में ये गाड़ी जो है बहुत ही डिफरेंट लगती है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल लगती है। फ्रंट में बहुत ही बिग साइज की आपको ग्रिल मिल जाती है, फ्रंट में सेंसर्स भी दिए गए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंसर है, यहाँ पे तो ऑल 4 सेंसर्स अवेलेबल है फ्रंट में। इसी के साथ यहाँ पे देखेंगे तो LED हेडलैम्प दिए गए हैं। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट मिलते हैं, लो बीम के लिए एक एलिमेंट, हाई बीम के लिए दिया गया है। और हेडलैम्प के ठीक नीचे यहाँ पे हेलोजन में टर्न इंडिकेटर्स भी अवेलेबल है। और उसके नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है दोस्तों वो है कॉर्नरिंग लैम्प के लिए, तो कॉर्नरिंग लैम्प भी यहाँ पे अवेलेबल है। और जो ओवरऑल लुक है गाड़ी की वो बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही डिफरेंट लगती है। तो ये अब्रॉड में जो है सोनाटा भी इसी स्टाइल में अवेलेबल है, इसी डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ अवेलेबल है और फर्स्ट टाइम वर्ना भी आई है। तो बात करते हैं S6 मॉडल में और क्या क्या मिल जाता है। तो जैसे आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे, सिंस ये टर्बो मॉडल है तो यहाँ पे ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो कि हैं 16 इंचेस के। और फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाती है। सेफ्टी फीचर में काफ़ी सारे फीचर्स अवेलेबल है, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, मल्टीपल एयर बैग्स एंड सो ऑन। और यहाँ पे ऑटो फोल्डिंग ORVM मिल जाते हैं। देन यहाँ पे आप देखेंगे तो सनरूफ दी गई है। और वर्ना में अब आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिलती है, इस साइड भी सिल्वर फिनिश दी गई है, डोर हैंडल के पास भी सिल्वर फिनिश दी गई है जो कि थोड़ी डिफरेंट लगती है, थोड़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है। और जो रियर लुक है आप देख सकते हैं, ये कंप्लीट स्पोर्ट्स बैक वाली लुक है, जैसे कि स्पोर्ट्स कार लुक ऑफर करती है तो वैसी स्पोर्ट्स बैक वाली लुक है, प्रॉपर एक परफॉर्मेंस कार की तरह। रियर में जो शार्क फिन एंडिन है वो पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है, रियर में डिफॉगर अवेलेबल है एंड दिस इज़ द रियर लुक। वरना की जो रियर लुक है वो फ्रंट से भी ज़्यादा आपको बेटर मिलती है। कनेक्टिंग यहाँ पे टेल लैम्प है और ये एच शेप बना रहा है, यू कैन सी ये एच शेप बनाते हैं टोटल। और साथ में यहाँ पे हुंडई का लोगो सेंटर में वरना लिखा हुआ है, 1.5 टर्बो। लाइसेंस प्लेट की जो लाइट है वो हेलोजन में दी गई है एंड साथ में कुछ ऐसे आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे नीचे की तरफ जो कि काफ़ी डिफरेंट लगते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे रियर में सेंसर्स, यहाँ पे फ्रंट ग्रिल की तरह ही पैटर्न दिया गया। और स्मार्ट ट्रंक से भी बूट ओपन हो जाता है, यहाँ से भी ओपन हो सकता है, यहाँ से भी ओपन हो जाता है एंड दिस इज़ द टोटल बूट स्पेस। अंदर एक लगेज लैम्प दिया गया है, इसको उठाएंगे तो यहाँ पे जो है स्पेयर टायर अवेलेबल है जो कि स्टील व्हील है। और दोस्तों अब बात करते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में और वेरिएंट वाइज इंजन ऑप्शन और ट्रांसमिशन ऑप्शन के बारे में, यानी कि कौन से मॉडल में आपको कौन कौन से इंजन ऑप्शन मिलते हैं, उसके साथ में कौन सा गियर बॉक्स मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पे डीजल इंजन कोई भी नहीं दिया गया, यहाँ पे 2 इंजन अवेलेबल हैं, दोनों ही हैं BS6 फेस 2 कंप्लायंट। इंजन भी ऑन है, टर्बो इंजन है, नॉइज़ आप देख सकते हैं, नॉइज़ आपको बहुत ही कम मिलती है, बहुत ही ज़्यादा लाइक ये रिफाइंड इंजन दिया गया, पहले से NVH लेवल बहुत ज़्यादा रिड्यूस करे गए हैं। सो 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन अवेलेबल है विद मैनुअल गियरबॉक्स एंड DCT गियरबॉक्स। सेकेंड इंजन है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जिसमें आपको मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाएगा और IVT गियरबॉक्स मिल जाएगा जो कि एडवांस वर्जन ऑफ CVT गियरबॉक्स है। एंड इसी के साथ दोस्तों इस मॉडल में आपको क्या फ़ायदा मिलता है, क्यों ये बेस्ट सेलिंग है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें दोनों ही इंजन अवेलेबल है, वो भी मैनुअल के साथ भी और ऑटोमेटिक के साथ भी। और ओवरऑल जो फीचर्स भी हैं वो भी काफ़ी कमाल के दिए गए हैं। साउंड एडिंग मटेरियल यूज़ करा गया है, यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे अंडरबॉडी इंजन गार्ड भी मिल जाता है पूरा। और इसके अलावा जो बाकी सारे मॉडल्स हैं वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, इन सब में आपको ये सारे इंजन ऑप्शन और ट्रांसमिशन ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे ब्लू लिंक भी दिया गया विच इज़ कनेक्टेड का टेक्नोलॉजी, तो स्मार्टफोन से स्मार्ट वॉच से आप कार को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, व्हीकल डाटा आपके अपने स्मार्टफोन पर ही आ जाएगा। और इसके बाद चेक करते हैं इंटीरियर्स, फिर देखते हैं क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे जो इसका ऑनरोड प्राइस है वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। जो सर्विस कॉस्ट है वो आप चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, हर एक कार की 10 साल तक की सर्विस कॉस्ट जो है वो लिस्टेड है और न्यू वर्ना की भी बहुत ही जल्दी अपडेट होने वाली है। और इसके बाद चेक करते हैं इंटीरियर,
सो बिफोर गोइंग अहेड इन दिस वीडियो आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. वो है एक ऐप एंड एक वेबसाइट विच इज़ इंडियाज लीडिंग एंड वेरी वेरी ट्रस्टेड. तो वो है Bodmo.com. Bodmo.com से काफ़ी कुछ मैं भी ऑर्डर करता हूँ. यहाँ पे आपको सारी एसेसरीज मिल जाती हैं, स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं, बजट कार से लेकर लग्जरी कार तक के सबके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं. आप घर बैठे कोई भी स्पेयर पार्ट एसेसरी ऑर्डर कर सकते हैं. अगर वो आपके कार में फिट नहीं आता तो विद इन 10 डेज आप रिटर्न भी कर सकते हैं. सो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार वेबसाइट जरूर विजिट करें. यहाँ पे सारी एसेसरीज स्पेयर पार्ट्स बहुत ही कॉम्पिटेटिव प्राइस में अवेलेबल है एंड इट इज सुपर रिलायबल एज वेल. और वरना में वेलकम फंक्शन में मिल जाता है तो कीज़ आपके पॉकेट में या फिर हाथ में, जस्ट आप कार को अप्रोच करेंगे तो ऑटोमेटिकली ORVM ओपन हो जाते हैं एंड कार लॉक्ड ही अभी भी. सो स्मार्ट कीलेस एंट्री, इंजन पुश स्टार्ट बटन और ये है वेलकम फंक्शन. और दोस्तों ये है डैशबोर्ड की लुक. ये टर्बो मॉडल है तो यहाँ पे ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिलते हैं हमें विद रेड फिनिश. तो प्रॉपर यहाँ पे आपको कुशन लेदर मिलेगा डैशबोर्ड पे विद रेड स्टिचिंग. और इसी के साथ यहाँ पे कंप्लीट फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री. तो फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री देखिए इस मॉडल में, साथ में अगेन रेड स्टिचिंग आपको मिल जाएगी. हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट. यहाँ से हम फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं और बूट भी ओपन कर सकते हैं. साथ में अलॉय स्पोर्टी पेडल्स मिलेंगे जो कि सिर्फ टर्बो मॉडल में ही अवेलेबल है. और यहाँ पे क्लच फुटरेस्ट. इसी के साथ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच दिया गया, ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. और यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, यानी कि आइडल स्टार्ट स्टॉप जो है, हॉल पे आप आएंगे गाड़ी ऑफ हो जाएगी. और हेडलैम्प लेवलर, तीनों ही स्विचेस एल्यूमिनेटेड हैं. और ये है फ्रंट डोर की लुक. तो ऑल ब्लैक यहाँ पे डोर दिया गया, अगेन यहाँ पे कुशन फिनिश, लेदर फिनिश कुशन और रेड स्टिचिंग. ट्विन बॉटल होल्डर स्पेस, यहाँ पे आपको डोर पॉकेट मिल जाती है, स्पीकर्स मिल जाते हैं, ट्विटर्स दिए गए हैं. तो ये तीन स्विचेस आपको एल्यूमिनेटेड नहीं मिलते, बाकी ये सारे स्विचेस जो हैं वो एल्यूमिनेटेड दिए गए हैं. ऑटो डाउन भी है और ऑटो अप भी आपको मिलेगी पावर विंडो ड्राइवर साइड. और अब अंदर चलते हैं. और गाइज ये है फ्रंट आर्मरेस्ट. तो यहाँ पे जो आर्मरेस्ट है इट इज़ कुशन आर्मरेस्ट, बहुत ही कंफर्टेबल दी गई है, साथ में एडजस्टेबल भी है. तो आप इसे आगे करके ऐसे हाथ रख के आराम से गियर शिफ्ट कर सकते हैं. इसके साथ इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ही बिग साइज का स्टोरेज एरिया मिल जाएगा. यहाँ पे ट्विन कप होल्डर स्पेस अवेलेबल है, कुछ ऐसी आपको गियर नॉब मिलेगी, लेदर रैप्ड. ऑल्सो गाइज चेक आउट द एम्बियंट लाइट, इसके कलर्स भी मैं आपको दिखाऊंगा. 64 कलर्स अवेलेबल हैं बट काफ़ी अच्छी लगती है एम्बियंट लाइट. और यहाँ पे आपको इवन सीट बेल्ट रिमाइंडर भी मिल जाता है. यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्लव बॉक्स में दिया गया कूलिंग फंक्शन एंड इसी के साथ यहाँ पे कुछ स्टोरेज एरिया आपको मिल जाता है. वायरलेस चार्जर दिया गया और इसके नीचे ये यहाँ से एयर भी निकलती है. तो वायरलेस चार्जिंग पे जनरली जो फ़ोन होते हैं वो हीटअप हो जाते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से जो है वो एयर ब्लो होती है ताकि जो फ़ोन है वो कूल रहे. यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स के लिए दिया गया, ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं सेंसर्स को, फ्रंट सेंसर्स को. और ये है कैमरा, सो ये है रियर व्यू कैमरा जिसमें गाइडलाइंस आपको अडेप्टिव मिलेंगी. और जो सेंसर्स का डिस्प्ले है वो आपको यहाँ पे भी मिलता है. सो टॉप डाउन डिस्प्ले और नॉर्मल डिस्प्ले. और इसके अलावा यहाँ पे ड्राइव मोड्स भी अवेलेबल हैं. सो इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट मोड, तो तीन ड्राइव मोड आपको मिल जाते हैं. और यहाँ पे एक USB सी टाइप चार्जर अवेलेबल है, एक 12 वोल्ट का सॉकेट और एक USB ए टाइप चार्जर, ये दोनों एल्यूमिनेटेड हैं. और यहाँ पे आपको फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स या फिर हीटेड कूल्ड सीट्स आपको नहीं मिलेगी इस मॉडल में. आप इसको प्रेस करेंगे तो ये कंट्रोल्स बन जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल्स. दोबारा इसको प्रेस करते हैं तो ये है ACA कंट्रोल्स. सो फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम अवेलेबल है. AC की एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है. और ये है कंट्रोल्स फॉर द इन्फोटेनमेंट. तो कुछ ऐसा आपको 10.25 इंचेस का इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है. तो यहाँ पे वायरलेस एप्पल कार प्ले अवेलेबल है, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है, इनबिल्ट नेविगेशन दी गई है. नेविगेशन भी बहुत ही अच्छा डिस्प्ले शो करती है प्रॉपर. साथ में ब्लू लिंक आपको मिल जाता है विच इज़ कनेक्टेड कार फीचर्स. और यहाँ पे कुछ व्हीकल सेटिंग मिलेगी, तो ड्राइवर असिस्टेंस, पार्किंग जो है वो आप ऑन कर सकते हैं. तो लो सिटी स्पीड पे भी जो सेंसर्स हैं वो ऑन हो जाते हैं, चाहे तो ऑफ कर सकते हैं. वार्निंग मेथड, तो यहाँ पे वार्निंग की वॉल्यूम आप सेट कर सकते हैं. बेसिक सेटिंग सारी अवेलेबल है. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की सेटिंग, ब्राइटनेस हम एडजस्ट कर सकते हैं. इसी के साथ यहाँ पे हम थीम सिलेक्ट कर सकते हैं. तो ABC तीन थीम अवेलेबल है.
जो कि ड्राइव मोड के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाते हैं जो आप चूज़ करेंगे ड्राइव मोड। और यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल का भी आपको डिस्प्ले मिल जाता है, तो बेसिकली अगर नो पार्किंग जोन है, जो स्पीड है वो सब यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाता है, ताकि आपके चलान भी जो है वो बच जाते हैं। तो जिस रोड पे आप ड्राइव करें अगर उसकी 60 की लिमिट है तो यहाँ पे शो हो जाएगी प्रॉपर। कोई टो अवे जोन है, नो पार्किंग जोन है, वो सब यहाँ पे शो होता है। वाइपर आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी उसका मोड है वो सब डिस्प्ले मिल जाता है। आप चाहें तो यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं सब कुछ। तो बहुत सारी यहाँ पे जो सेटिंग्स हैं वो अवेलेबल हैं। लाइट की सेटिंग आपको मिल जाती है, एम्बिएंट लाइट, तो ट्राई मोड से भी आप लिंक कर सकते हैं इसको, डिम कर सकते हैं नाइट में, मतलब डार्क में। और ब्राइटनेस कलर सेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे प्री सेट कलर्स भी हैं, अगर आपको कस्टम कलर चाहिए अपने अकॉर्डिंग। तो ये हैं 64 कलर्स जिसमें से आप सेट कर सकते हैं कोई भी। और यहाँ पे वही बेसिक सेटिंग जो कि आपको बाकी हुंडई कार्स में मिलती है, वो सारी यहाँ पे सेटिंग दी गई है। डोर्स की सेटिंग, स्मार्ट ट्रंक को हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, व्हीकल अनलॉक, लॉक हो या फिर ना हो डोर, तो उसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग को आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। सर्विस इंटरवल सेट कर देंगे तो सर्विस रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। तो सारी सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। 4 स्पीकर्स मिलते हैं, 2 फ्रंट ट्विटर्स यहाँ पे दिए गए हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो वी हैव गॉट अ वैनिटी मिरर। और यहाँ पे हम देखें तो ऑटो डिमिंग IRVM विद टेलीमेटिक स्विचेस जो है, इमरजेंसी स्विचेस, SOS, रोड साइड असिस्टेंस एंड ब्लू लिंक स्विच। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर नहीं मिलता, लेकिन 2 फ्रंट में LED लैंप्स दिए गए हैं। और ये है सनरूफ, तो कुछ ऐसी आपको सनरूफ मिल जाती है। और ये मैक्सिमम इतनी ओपन होगी। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी वैनिटी मिरर दिया गया। इसी के साथ दोस्तों ये है स्टीयरिंग व्हील के लुक। तो यहाँ पे आपको 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, और इसी के साथ यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स भी मिलेंगे दोस्तों। तो लेदर आप यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील दिया गया एंड एडजस्टमेंट भी अवेलेबल है। तो टिल्ट एडजस्टमेंट और टेलीस्कोपिक दोनों ही दी गई है, काफ़ी अच्छी बात है। एंड देन यहाँ पे कंट्रोल्स भी आपको काफ़ी प्रीमियम मिलते हैं, जो भी वाइपर के कंट्रोल्स हैं, हेडलैम्प के कंट्रोल्स हैं। तो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल दिए गए हैं, MID के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पे देखेंगे तो कुछ ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स, वॉइस कमांड कंट्रोल। वॉइस कमांड के थ्रू सारे फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं। ओपन सनरूफ, आप बोलेंगे सनरूफ ओपन हो जाएगी, AC का टेम्परेचर एडजस्ट हो जाएगा, वो सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और कुछ ऐसा आपको क्लस्टर मिलता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया। तो यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी शो करेगा, साथ में टायर प्रेशर की इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, और नेविगेशन एग्जैक्ट शो होती है कि आपको कितने मीटर्स के बाद कहाँ से टर्न लेना है। साथ में यहाँ पे ड्राइव इन्फॉर्मेशन और सिंस रिफ्यूल हमारा कितना रहा, तो काफ़ी सारी ट्रिप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होती है। 3 ट्रिप यहाँ पे शो होती है, जिसमें डिस्टेंस ट्रेवल, माइलेज और इंजन रनिंग टाइम आपको मिल जाएगा। साथ में डिस्टेंस टू MD डिस्प्ले होता है, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले हो रहा है नीचे की साइड। यहाँ पे आप देखेंगे तो रोड साइन रिकॉग्नाइजेशन, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे डिस्प्ले होता है। साथ में हमारा ऑटो स्टॉप का टाइमर क्या रहा, मतलब कितनी देर तक रहा, वो आप यहाँ पे सेट हो जाता है, तो वो भी शो करेगा ये। अब चलते हैं रियर सीट्स पर, कोई भी डोर ओपन होगा हमें रिमाइंडर मिलेगा। बोनट अगर मैं ओपन करूं तो इवन बोनट का रिमाइंडर भी मिल जाता है, और बूट का भी मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये है रियर डोर की लुक। यहाँ पे स्पीकर दिए गए हैं, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, अगेन लेदर फिनिश, पावर विंडो कंट्रोल्स रियर के एल्यूमिनेटेड है, सबसे बेस्ट बात है ये। और यहाँ पे भी जो है ये प्लास्टिक यूज़ करा गया, और यहाँ पे लेदर। और ये है रियर सीट्स, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलती है, सेंटर में एक आर्मरेस्ट अवेलेबल है विद ट्विन कप होल्डर स्पेस। पीछे की साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको सनशेड नहीं मिलता है इस मॉडल में। फ्रंट सीट के बैक पे पॉकेट सिर्फ इस साइड दी गई है। और यहाँ पे रियर इस इवेंट मोबाइल पॉकेट, 2 सी टाइप USB चार्जर्स एल्यूमिनेटेड। और यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं सीट बेल्ट की हाइट। और यहाँ पे देखेंगे तो ग्रैब हैंडल, सेंटर में एक लाइट जो कि LED में, और यहाँ पे ग्रैब हैंडल पे कोट हैंगर। और दोस्तों ये है डैशबोर्ड की लुक। और दोस्तों इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें, वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करें, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें।